हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, यूपी पुलिस ने फाइनली आंसर की रिलीज कर दिया है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का। जिन लोगों ने अभी तक अपने मार्क्स नहीं देखे हैं या आंसर की नहीं चेक किया हुआ, वो जाकर के चेक कर ले। उनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे ये दिया गया है, वहाँ पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। इसके पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों से, उसमें मैंने कट ऑफ बताया था। उस कट ऑफ में और इस कट ऑफ में क्या क्या डिफरेंसेस हुए हैं, कितना चेंजेस समझ में आ रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात करके देखा कि उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं, उस हिसाब से ये वीडियो बनाया जा रहा है। और मैं बता दूँ, ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ आपकी होगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। रही बात फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन की, उसकी भी बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या अब होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फाइनल कट ऑफ क्या है। गाइस, ये रहा आपका फाइनल कट ऑफ। ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी, ये मार्क्स हैं, मैं एक बार फिर से बता दूँ, इसको आप क्वेश्चन मत जोड़िएगा। बहुत से लोग आपको अभी मिलेंगे जो कहेंगे 160 नंबर मिले। हाँ, मिलेंगे यार, मानते हैं कि इतने लड़के पार्टिसिपेट किए थे एग्ज़ाम में, कुछ लोगों के हैं। मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, यदि आप टाइपिंग निकाल लेते हो तो ओबीसी 115 से 120 से ज़्यादा नहीं जानी है, ये मैक्सिमम कट ऑफ है। एससी की जो है 95 से 110 नंबर, ये फाइनल कट ऑफ है एससी की। एसटी की वही बात कर लूँ तो 80 नंबर है, वोमेन की बात कर लें वो भी 80 नंबर। एसटी और वोमेन 80 नंबर अगर इनके आ रहे हैं तो वो टाइपिंग शुरू कर दें, उनका तो 100% होना, मैं पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बताया हूँ। एससी की कट ऑफ 95 से तो 110, पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि 80 नंबर से ज़्यादा इस बार भी नहीं जाएगा। गाइस, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। देखिए, पेपर भले टफ हुआ है ये बात सच है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होना है, इस वजह से आपका 95 से 110 के बीच, ये भी मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इसमें तो होना ही होना है। ये कट ऑफ जो बताया जा रहा है पे एससी की, हो सकता है इसमें चेंजेस हो जाए। ओबीसी का मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, 115 से 120 होना ही होना है। अब रही बात फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट की बात, जिसमें काफ़ी बात हुई है कि फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में कुछ चेंजेस होने हैं, तो गाइज ये बात तय है कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में पेपर का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मैक्सिमम मैं बता दूं, आप 4 से 5 नंबर अपना एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए फर्स्ट शिफ्ट वाले, ये चेंजेस हो सकते हैं। और रही बात अगर आपको एक फाइनल कट ऑफ जानने की ज़रूरत है, हालांकि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, एकदम एग्जैक्ट आपको जानने की ज़रूरत है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी कैटेगरी और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं वो बताइएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मत बताइएगा, आप अपने कितने नंबर्स आ रहे हैं वो, अपनी कैटेगरीज, ओबीसी एससी हैं एससी, एसटी हैं तो एसटी, और वोमेन है तो वोमेन, ये आप अगर कमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचता है, तो अगर हमारे पास अच्छे खासे कमेंट्स मिल जाए, हालांकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ कम से कम 100 लोगों के व्यूज़ पे बनाया जा रहा है, ठीक है, एक ग्रुप से मैंने 100 लोगों के व्यूज़ को जान करके समझ करके ये वीडियो बना रहा हूँ। यदि आपको और भी सटीक कट ऑफ जाननी है तो कमेंट बॉक्स में एकदम ईमानदारी से आप कमेंट करिए कितने आपके मार्क्स टोटल बन रहे हैं, तो आपके पूरे के पूरे एक मैं फाइनल वीडियो बना दूंगा। रही बात अब टाइपिंग की, तो टाइपिंग में आप लग जाइए, वैसे भी आप लोग लगे हुए हैं टाइपिंग पे, टाइपिंग के क्या रूल्स होते हैं, टाइपिंग में क्या क्या सावधानी बरतनी है, टाइपिंग कैसे होती है वहाँ पे, और टाइपिंग पे कुछ यार मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, तो कैसे उसको क्रैक किया जाए, टाइपिंग वहाँ पे कैसे क्वालिफाई किया जाए, टाइपिंग में कैसे क्वालिफाइंग नेचर है या मार्क्स मिलेंगे, ये तो आप लोग को पता होगा, फिर भी उस पर हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कैसे आपको टाइपिंग करनी है, कैसे आपको एक्यूरेसी ध्यान देनी है, कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको उस पर एक वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी। और ये फाइनल कट ऑफ आपकी रहनी है 100%। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज़ लाइक करिए, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर इसलिए करिए कि अगर कंप्यूटर ऑपरेटर के हर स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो चली गई वो कमेंट बॉक्स में बता दिए। तो गाइज़, एग्ज़ाम रिजल्ट फाइनल आने से पहले ही एक फाइनल कट ऑफ यहाँ पे बन सकती है, एग्जैक्ट बन सकती है, हालांकि ये आपका इसी रेंज में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।